Hello dear students, I am Dr Vartika Jain, assistant professor in department of botany, and today we are going to discuss the second fiber plant of your course, that is Crotolaria. It is part of unit 4th of second paper of botany of B.Sc second year. Botany ke second paper mein B.Sc second year ke liye jo 4th unit hai usme hame economic botany ke kuch important plants ke bare mein padhna tha aur isme se humne सीरियल्स और पल्सेस पढ़ लिए, वुड के बारे में भी पढ़ लिया, शुगर ईल्डिंग प्लांट्स के बारे में भी पढ़ लिया और फाइबर्स के बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखा और गॉसिपियम प्लांट के बारे में पढ़ा जिससे कॉटन प्राप्त होती है और आज हम सेकंड फाइबर ईल्डिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया की स्पीशीज क्रोटोलेरिया जुंसिया जो है वह सनहेम्प फाइबर प्रोवाइड करती है। यह पौधा फेबेसी फैमिली का पौधा है अर्थात मटर की फैमिली का पौधा है और इस पौधे के जो तने हैं तने में से बास्ट फाइबर्स मिलते हैं जो कि कमर्शियली उपयोग में लिए जाते हैं। इसको हम सनहेम्प के नाम से या सनई के नाम से या सन के नाम से भी जानते हैं। तो सनहेम्प बॉटनिकल नेम क्रोटोलेरिया जुंसिया, फैमिली फेबेसी, प्लांट पार्ट यूज इज स्टेम बास्ट फाइबर्स। सनहेम्प एक इम्पॉर्टेंट एशियाटिक फाइबर प्लांट है और इवन जो एंशियंट संस्कृत राइटिंग्स थी उसमें भी सनहेम्प का मेंशन है और ये प्लांट भारत में एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता रहा है प्री हिस्टोरिक टाइम से, आइदर फॉडर पर्पस या फिर ग्रीन मैन्योर के लिए या फाइबर के क्रॉप के रूप में। और यह भारत के अलावा सीलोन में और कुछ सदर्न एशियन कंट्रीज के अंदर भी कल्टिवेट किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट्स टू 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सनहेम्प इन इंडिया एंड बिसाइड्स उत्तर प्रदेश सम अदर सनहेम्प प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। और यह जो पौधा है इसकी तीन मेन वेराइटीज भारत में एग्जिस्ट करती हैं। पहली है वाइट वेराइटी, दूसरी है ग्रीन वेराइटी और तीसरी है देवगुडी वेराइटी। वाइट वेराइटी वो जिसके जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं वो वाइट रंग के या ग्रेइश रंग के होते हैं और बड़े चमकीले होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और फाइन टेक्सचर्ड होते हैं, तो वह वेराइटी वाइट वेराइटी कहलाती है। सेकंड वेराइटी है ग्रीन वेराइटी या जिसे गंजम भी कहते हैं। तो ग्रीन या गंजम वेराइटी के जो फाइबर दिखते हैं वे ग्रीन कलर के या ग्रे कलर के हो सकते हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन द वाइट फाइबर। और तीसरे होते हैं देवगुडी। देवगुडी वेराइटी बेस्ट क्वालिटी ऑफ फाइबर प्रोवाइड करती है जो कि क्रीमिश होते हैं कलर में और जिसकी लंबाई भी अच्छी होती है और उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है। तो सनहेम की तीन वेराइटीज इंडिया में ग्रो की जाती हैं, वाइट, ग्रीन एंड देवगुडी। नाउ व्हाट आर द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट, ये पौधा क्या वनस्पतिक लक्षण रखता है। तो यह पौधा एक श्रबी एनुअल प्लांट है और इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 मीटर तक हो सकती है। इसके जो कायिक भाग हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स, उन सभी पे छोटे छोटे हेयर जो हैं उससे वह ढका हुआ होता है। इसकी लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती हैं, उसमें अनुपर्ण मिलते हैं, स्टिपुलेट लीव्स होती हैं, सब ससाइल होती हैं यानी पिटियोल बहुत छोटा होता है और लेंसियोलेट होती हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं ब्राइट येल्लो रंग के होते हैं और पुष्पक्रम एक्सिलरी रेसीम होता है। इसमें जो फल है वो पॉड्स होती हैं क्योंकि आप जानते हैं फेबेसी फैमिली के फल को हम पॉड कहते हैं, शिम्ब या फली के नाम से जानते हैं। तो यह फली फूली हुई होती है जिसकी टिप पे एक पॉइंट आपको दिखता है, पॉइंटेड बीक के साथ ये पॉड नजर आती है और इस पॉड में कई सारे डार्क ग्रे से लेके ब्लैक कलर के किडनी शेप सीड्स अर्थात रेनिफॉर्म सीड्स जो हैं बीज वो इसके अंदर मिलते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स टू ग्रो दिस सनहेम्प, तो यह पौधा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सबसे सूटेबल है जहाँ पे वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 75 सेंटीमीटर हो और एक हार्डी और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप भी है ये, यानी अगर सूखा पड़ जाए तो उसमें भी ग्रो कर जाती है। एंड इट ग्रोज वेल ऑन द लाइट वेल ड्रेन्ड एलुवियल लोम्स, तो उस दोमट मिट्टी पर यह अच्छे से ग्रो करती है और लाइट टू मीडियम ब्लैक सॉइल्स भी इसके लिए उपयुक्त होती हैं। परंतु अगर वाटर लॉगिंग हो गई है तो जो जलाक्रांत सॉइल होती है उसमें यह क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती है। नाउ कल्टीवेशन कैसे किया जाए, तो यह पौधा खरीफ
की फसल के रूप में भारत में उगाया जाता है, या तो एज ए सिंगल क्रॉप और इन द रोटेशन विथ कॉटन प्लांट्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, उसके रोटेशन में इसे लैंड में लगाया जाता है। जब प्री मानसून शावर हो चुकी है तो उसके बाद लैंड को तैयार कर लिया जाता है और बीज बोने के बाद उसकी प्रॉपरली वीडिंग यानी खरपतवार को अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में ही निकाल दिया जाता है और क्रॉप रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए 120 से 150 दिनों के बीच। और जब पौधे ब्लूमिंग कर रहे हैं यानी अर्ली पोड स्टेज आ चुकी है, तब उन पौधों को खींच के बाहर निकाल लिया जाता है या फिर उनको बेस से काट दिया जाता है और जो कटे हुए जो तने हैं उन सभी को बंडल्स में बांध दिया जाता है और उसको फील्ड में तब तक रहने दिया जाता है जब तक कि पत्तियां सूख करके गिरने ना लग जाए। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ सनहेम्प फाइबर्स। जो यह जो सनहेम्प का पौधा है, जो तना है, उस तने से फाइबर्स निकालने की प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। रेटिंग प्रोसेस के द्वारा फाइबर्स का सेपरेशन इजीली किया जाता है। इसके लिए पहले तनों को इकट्ठा करके छोटे छोटे बंडल्स में बांध दिया जाता है और फिर इसको रेटिंग के लिए पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। वह पानी क्लियर, एकदम साफ पानी होना चाहिए और स्लोली लर्निंग पानी होना चाहिए या फिर स्टैग्नेंट वाटर भी, स्थिर जल जो है वो भी इसके लिए उपयुक्त होता है। और जनरली ये जो बंडल्स होते हैं उसको 5 से 7.5 सेंटीमीटर डीप पानी में इरेक्ट यानी खड़ा रखा जाता है 24 घंटों के लिए। इससे क्या होता है कि जो तने के लोअर थिकर एंड्स होते हैं वे पूर्ण रूप से पानी में सबमर्ज रह सकते हैं। और रेटिंग का जो टाइम है वो डिपेंड करता है वातावरण का टेम्परेचर कितना है और पानी का टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और यूजली 4 से 5 दिनों में रेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और जब फाइबर्स का सेपरेट होना शुरू हो जाता है तो फाइबर्स को लैशिंग के द्वारा धो दिया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उसके बाद पानी में इसको सुखाया जाता है। अब जो सूखे हुए फाइबर्स जो रेशे आ जाते हैं उन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है, मोड़ा जाता है और फिर बंडल्स बना दिए जाते हैं। जनरली एवरेज यील्ड फाइबर की जो होती है 8% होती है ड्राइड वेट ऑफ स्टेम की। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सनहेम्प फाइबर। तो इसके जो फाइबर हैं बास्ट फाइबर है जैसा हमने पहले भी पढ़ा, और रिबन लाइक फाइबर स्ट्रैंड्स इसमें होते हैं जो कि लाइट कलर में होते हैं और 1.2 से 1.5 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं, चमकीले लस्ट्रस होते हैं एंड दे आर फेयरली रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर, उसके प्रति प्रतिरोधी भी होते हैं और मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं विथ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी टिकाऊ होते हैं और इनकी प्रत्यास्थ क्षमता भी फाइबर्स की अच्छी होती है। अगर इंडिविजुअल फाइबर सेल्स को देखें तो हम जैसे जानते ही हैं कि फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, तो इंडिविजुअल सेल्स जो होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं और जिसकी सरफेस पे स्ट्रिएशंस या क्रॉस मार्किंग्स भी मिल सकती हैं, और सेल के जो एंड्स होते हैं वो इररेगुलरली थिकंड होते हैं और ब्लंटेड हो सकते हैं। और सेलुलोज इसमें लगभग 80% इन फाइबर्स में मिलता है एंड रिलेटिवली थिक लेयर लिग्निन की मिलती है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सनहेम्प फाइबर। तो जैसा हम जानते ही हैं रेशा है, तो इस रेशे का मुख्य तो प्रयोग कॉर्डेज के रूप में किया जाता है, रस्सी के रूप में, ट्वाइंस के रूप में, कॉर्ड कैनवास बनाने में, मैटिंग के लिए, इन सभी के लिए सनहेम्प के फाइबर का यूज किया जाता है। और जनरली पानी में ये फाइबर डिट्योरेट नहीं होते हैं और इस वजह से इसको फिशिंग नेट बनाने के लिए भी, मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंड दिस फाइबर इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट एंड टिश्यू पेपर। और इनके जो तने हैं, स्टॉक्स और पत्तियां जो हैं, उसको ग्रीन फोडर या ड्राई फोडर के रूप में कैटल को खिलाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो क्रोटोलेरिया जुंसिया फेबेसी फैमिली का एक पौधा है, मटर की फैमिली का एक द्विबीजपत्री पौधा है और इसके तने से बास्ट फाइबर्स मिलते हैं जो कि उपयोग लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो कोर्स में थर्ड प्लांट दिया गया है कॉर्कोरस, जिसे जूट भी हम कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।